भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने के बाद बीजेपी के सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की बोली बदल गई है। दबदबा है और दबदबा रहेगा का नारा लगाने वाले ब्रजभूषण बदले बदले माहौल में बदले बदले दिखे। जिस शख्स का कुश्ती फेडरेशन पर दबदबा था वो आज कह रहा है कि अब कुश्ती उसके लिए इतिहास की बात हो चुकी है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, अटकलों को भी खारिज कर दिया। जो मुझे कुश्ती के संबंध में जो मुझे बोलना था कल मैं बोल चुका हूँ। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं। ब्रजभूषण सिंह ने केंद्र सरकार के द्वारा कुश्ती संघ को निलंबित किए जाने और इस मामले में कोर्ट जाने की संभावनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मेरा जो कहना था वो कह दिया। देखिए, जो कल मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूँ खेल की राजनीति से, मतलब कुश्ती की राजनीति से, और क्या करना है ये नहीं करना है ये फेडरेशन का काम है, चुनी हुई फेडरेशन का काम है और सरकार के बीच में, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूर्णतया संन्यास ले चुका हूं, मुझे और काम है। दो दिन पहले तक कुश्ती फेडरेशन की जीत को अपना दबदबा बताने वाले ब्रजभूषण का बदला रवैया कुश्ती की राजनीति में बदलाव का संदेश देता है, लेकिन विपक्ष के दल इसे बदलाव मानने के लिए तैयार नहीं। भले ही केंद्र सरकार ने कुश्ती संघ के चुनाव के नतीजे आने के कुछ घंटे के अंदर ही सख्त कदम उठाते हुए नव निर्वाचित संघ को ही सस्पेंड कर दिया। हालांकि बीजेपी ने कुश्ती संघ को सस्पेंड करने की वजह उनके फैसले की खामियों को बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।